हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल। तो आमिर भाई, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो A17। हाँ, पिछले साल इसका, इस साल इसमें ओप्पो A16 लॉन्च हुआ था। अभी बात चल रही है मेरे भाई ओप्पो A17 A16 के सक्सेसर की। इसकी स्पेसिफिकेशंस आ चुकी है, एक्सपेक्टेड करते भाइयों के ऐसा ही होगा। हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें कन्फर्म भी है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। लॉन्च डेट भी आ चुकी है मेरे भाई, प्राइसिंग भी हम इसकी बता देंगे। तो चलते मेरे भाइयों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस फोन की डिस्प्ले। डिस्प्ले निकल के आता है 6.55 इंचेस का एलसीडी डिस्प्ले नॉर्मल 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। तो डिस्प्ले आपको नॉर्मल दिखने के लिए मिलती है मेरे भाइयों। अब अगर हम इस फोन के बैटरी की बात करें, 5000 mAh बैटरी जैसा कि मैंने बोला है कॉमन कर दी गई। हाँ, प्लस 18 वाट का चार्जर है। अभी एडाप्टर यहाँ पे कंफर्म नहीं है मेरे भाइयों, बट बैटरी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि 5000 mAh बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब मैं अगर इस फोन के कैमरा सेटअप्स की बात करूँ, डुअल मेगापिक्सल कैमरा सेटअप है मेरे भाइयों। हाँ, डुअल कैमरा सेटअप है, सॉरी मैंने डुअल मेगापिक्सल बोल दिया। 13 MP का मेन सेंसर होगा, 2 MP का माइक्रो या फिर डेप्थ लेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करूं, 8 MP का सिंगल फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लुक तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे भाइयों कैमरास की। अब मैं अगर इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है मेरे भाइयों। ऑब्वियसली मेरे भाइयों LCD डिस्प्ले, तो साइड माउंटेड ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस फोन के बैक पे भी आपको फिंगरप्रिंट नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप फोटो में देख ही रहे होंगे। अब मैं अगर इस फोन के प्रोसेसर की बात करूं, प्रोसेसर निकल के आता है MediaTek Helio G35। एक 4G प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलती है। प्रोसेसर अच्छी है मेरे भाइयों। हाँ, प्रोसेसर कन्फर्म है और 5000 mAh बैटरी, ये दो चीज़ें इसमें कन्फर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि मैं आपको बोलूँगा कौन कौन सी चीज़ें कन्फर्म है। दूसरी चीज़ों से मेरे भाइयों, मैंने थॉट्स लगाए कि ऐसा हो सकता है ये स्मार्टफोन, क्योंकि मिड रेंज स्मार्टफोन है ये। अब मैं अगर इस फोन के लॉन्च डेट की बात करूं, 2023 के स्टार्टिंग में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, या फिर एक दो महीने बाद भी, अभी ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट मंथ इसकी अक्टूबर में मेरे भाइयों इसकी जो है फुल स्पेसिफिकेशन निकल के आने वाले है, कैसा होगा ये स्मार्टफोन, तो तब मैं आपको फिर से एक और बार ये वीडियो बना, इस फोन की वीडियो बना के बता दूंगा। हाँ, इसकी जो है मेरे भाइयों प्राइसिंग निकल के आ चुकी है 12,499 रुपये का। ये भी अभी कंफर्म नहीं है। 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको ये फ़ोन कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बताना। मैंने जो स्पेसिफिकेशंस आपके साथ में शेयर किए, वो अभी मेरे भाइयों कुछ चीज़ें इसमें कंफर्म नहीं है। हाँ, जो कंफर्म थी मैंने आपको बता दी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताना। क्या ये स्मार्टफोन इस प्राइसिंग पे आता है, इससे कम आता है, तो क्या आप इसे परचेस करोगे, ये भी बताना। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।